माँ रोज की तरह आज भी सुबह गुनगुनी धूप में चिड़ियों से बातें करती हुई बगीचे में रखे पुराने लोटे को चमका रही थी। पता नहीं उस पुराने लोटे में ऐसा क्या था कि उसे चमकते ही माँ के चेहरे की भी चमक लौट आती थी। लोटे की चमक को देख गुनगुनाने लगती थी, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। माँ की आंखों की चमक को देखकर आज सुमित से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, माँ आप रोज इस पुराने लोटे को चमकाती और खुश होती हो, इसे चमकाने से क्या फायदा? अब ये तो कोई काम का भी नहीं रहा है, बस बगीचे में पानी डालने के तो काम आता है, रोज रोज नहीं भी घिसोगी तो भी चल जाएगा। बेटा तू नहीं समझेगा, रहने दे क्या करेगा जानकर, छोड़ मैं और मेरा लोटा ही भला, तुम अपना काम करो। अरे तुम्हें पुराने लोटे से क्या लेना, बस समझ ले मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे खुशी मिलती है, माँ ने कहा। नहीं माँ, आज तो तुझे बताना ही होगा कि इस लोटे के पीछे क्या राज है जो तुम्हें इतनी खुशी देता है, सुमित ने बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। अच्छा इतनी जिद कर रहा है तो सुन, बहू ने जरूर इस लोटे को घर में रखने लायक नहीं समझा, लेकिन पता है मेरी शादी में देने के लिए मेरे माँ पिताजी जो पहला बर्तन खरीद कर लाए थे ना, वो यही लोटा था। तो इस लोटे में मेरी शादी की सारी खुशियां समाई हुई हैं। शादी के बाद जब ससुराल आई तो तेरे परदादा परदादी दादा दादी इसी लोटे में जल भर के घंटों भगवान की पूजा करते थे। इस लोटे से जुड़ी कई यादें हैं और वो यादें मेरे लिए बहुत कीमती हैं बेटा। मैं इस लोटे को केवल मांझती नहीं हूं बल्कि अपनी पुरानी यादों को भी चमकाती हूं, और जब इससे पेड़ पौधों को पानी देती हूं तो लगता है कि इन पेड़ों के रूप में मेरे अपने पूर्वजों को जल तर्पण कर रही हूं। इसमें मेरी माँ की ममता, मेरे पिता की मेहनत, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और ससुराल की शान छुपी हुई है। इतना कह के माँ फिर लोटे को निहारने लगी। मां की बात सुन सुमित सोचने लगा, हमारी पीढ़ी के लोगों में पूर्वजों के प्रति प्रेम और निष्ठा कहां चली गई? हमने केवल एक लोटे को ही घर से बाहर नहीं किया, अपितु पूर्वजों की यादों, संस्कारों और संस्कृति को पुराना समझ बाहर निकाल फेंका है। दोस्तों आप सुन रहे थे देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की लिखी लघु कथा पुराना लोटा। हाँ कई बार ये पुरानी चीजें हमें अखरती हैं, जो कि सहेज कर रखी गई होती हैं हमारे माँ पापा दादा दादिया और बड़ों के द्वारा। हमें लगता है कि हम कब तक संभाल करके रखेंगे, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ चीजें नहीं है, चीजों से जुड़ी हुई न जाने कितनी यादें हैं। बस चूंकि यादें चीजों से जुड़ी हैं इसीलिए ये चीजें आज भी पुराने ट्रंक संदूक और अटैचियों में रखी हुई हैं। खैर पुरानी चीजों से ही संस्कृति संस्कार यादें प्रेम निष्ठा ये सब जुड़ा हुआ भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद हम उनके माइंडसेट में पहुंच नहीं पाते और डिटैच होकर के कई बार कह देते हैं, अरे बेचो ना इन चीजों को, बस एक अनजानापन है वो। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी भावनाओं के प्रति सम्मान नहीं करते, हमें केवल चीजें दिख रही होती हैं लेकिन चीजों के पीछे जो जुड़ी हुई यादें हैं उन तक पहुंचने के लिए इस लघु कथा ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम किया है मैं समझता हूं। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और सभी तक पहुंचाएं ताकि ये पुल बना रहे
समझ बनी रहे, प्यार और सम्मान बना रहे। और कोई गीत अगर आपको लगता है कि इस कहानी पर सूट करता है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।